Good afternoon, everyone. So we've prepared a hepatitis campaign for sex workers, and we'll be going through why have we decided this particular group, what we'll be doing with them. So first, we'll actually present a scene, an actual scenario, like how are we going to approach these people, how are we going to spread awareness, and then we'll just quickly summarize like what is the exact action plan. So we'll just start with this. भैया नमस्ते, मैं दिल्ली समाचार विद्यालय का छात्र हूँ और मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं यहाँ की महिलाओं को हेपेटाइटिस बी जो बीमारी होती है उसके बारे में जानकारी दूँ। अरे भैया, ये बहुत घातक बीमारी है और ये महिलाओं को बहुत घातक होती है, यहाँ की महिलाओं को और हर किसी को। तो हम यहाँ पर जो सेक्स वर्कर महिलाएं हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं हेपेटाइटिस बी का, तो हम आपकी मदद चाहते हैं। अरे भैया करने दीजिए ना, अरे भैया एचआईवी के बारे में बताते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, धंधे का टाइम है, जाओ यार। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए। हाँ, आपकी एनजीओ कटकथा, मुझे पता है कि जीबी रोड पर जो महिलाएं सेक्स वर्कर उनके साथ काम करती है। जी, तो मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है उसके बारे में मैं वहाँ की महिलाओं को जानकारी देना चाहता हूँ और उनकी जाँच करवाएंगे। अगर वो संक्रमित पाई जाती हैं तो फिर हम उनका इलाज करवाने में मदद देंगे। तो क्या हमको आपकी मदद मिल सकती है इसमें? जी बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे। और बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने इन महिलाओं के बारे में सोचा, क्योंकि इन्हें तो समाज ने बिल्कुल दरकिनार कर रखा है, तो हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। तो बताइए किस तरह की सहायता चाहेंगे। तो मैं अभी वहाँ के जो कोठा मालिक हैं उनके पास गया था लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की मेरी और मेरे को वहाँ से निकाल दिया उन्होंने। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे और उनसे बात करेंगे? जी बिल्कुल, कोई बात। एक और घातक बीमारी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ही नहीं आपके बच्चों पर भी असर करती है, तो इनकी बात ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है? बहन जी नमस्ते, नमस्ते। आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ सुना है? हेपेटाइटिस? उस दिन वो लड़का ने बोला था वेरी नाइस हिप्स। नहीं नहीं नहीं, ये हेपेटाइटिस बी एक बीमारी होती है जो आप अभी बोल रहे थे एचआईवी एड्स जिसके बारे में आपको पता है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा संक्रमित होती है, 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित होती है, 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ये देखो, तो एक और बीमारी लेके आ गए क्या भैया? एक ही जाना है, या अल्लाह लेगा या मौला लेगा, रोज रोज नई बीमारियां लेके आ जाते हैं। अरे नहीं दीदी, पता है आपको, पता है लीवर होता है हमारे यहाँ पर, शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ये बीमारी। आपकी एक अकेली जीवन है, बट आपके बच्चों का क्या, क्योंकि आप ही तो उनका एक अकेला सहारा हो। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। हेपेटाइटिस जो है एचआईवी की बीमारी के जैसे ही फैलता है, बट एचआईवी से 100 गुना ज्यादा ये प्रभाव करता है और 100 गुना ज्यादा जानलेवा है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे इस सब में? एक हफ्ते बाद इन लोगों के लिए एक हेल्थ कैंप कराया जाता है जिसमें इनकी जांच कराई जाती है, और जिनका जांच में संक्रमित पाए जाते हैं उनको हम ILBS की मदद के लेकर उनको अस्पताल लेकर जाते हैं और उनके साथ ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो सो दिस वाज लाइक अ सीन एनएक्टमेंट, लाइक हाउ वी अप्रोच द ब्रॉथल, हाउ दे वर नॉट वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज they think that okay they might just be affected with AIDS or maybe that is the only issue that they might be facing, or even otherwise they think that okay who cares about us really, because they are a very socially excluded group of the community. So that is why we targeted this particular population, and now we'll begin with the intervention plan. So like we said, target population sex workers, place of project GB Road in Delhi, and tentative time duration we've taken 3 months for this entire awareness program in the brothel, the intervention there. And why are we choosing this group? Because they have increased vulnerability to hepatitis B because of their sexual activity and it is sexually transmitted. Then they are also expecting mothers. They are also expecting mothers. They also become mothers and their child is also very prone to getting hepatitis B. They have no institutional support because they have no recognition in the society. It's actually illegal. Prostitution is considered illegal, so they do not have any such identity cards or anything which are going to help them in availing any kind of government schemes.
So objectives of this initiative are awareness and sensitization primarily, because these women first need to know how it is going to affect them, sensitizing them, then screening and vaccination as we just discussed, then safety prevention and precaution strategies. Aims and objectives, ideal time period for this entire project that we're running is 1 year. So first, like we said, 3 months for the brothel about awareness and screening. Then again, how will we engaging youth? Then we bring in youth as well, because we have inactives, NSS societies and social entrepreneurship cells in many colleges who take up such projects, get involved, and a department like ours which has fieldwork programs also. So they can hold workshop in these colleges, we can hold workshops, tell them about this. Then form a team of volunteers who assist in holding the workshop, mobilize resources. Sensitization programs to reduce stigma. We have discussed stigma enough. All the groups have presented, and even sir had told us a lot about stigma and taboos attached. So then reaching out to brothels in Delhi, screening of all sex workers, expecting mothers among them, newborn children, their children, and the children who are obviously between the age of, say, 0 to 10 years, and timely vaccination of all of the above. Okay, how are we going to spread awareness? So this is our cycle. We start with awareness about hepatitis B and C, their causes, screening and vaccination, prevention, and it goes on. For first, we enter the target group, because sex worker is a very, very vulnerable group, so we can't just go in the community and start our program. So we target the targeted intervention NGOs, which works with NACO program, AID program, which works jo drugs ke liye, sex workers ke liye, jinke saath NACO collaborate karta hai, NACO integrate karta hai for its program. See, so we take that TI NGOs, and through them we enter the community. Here we have taken Katkatha, jo GB Road pe already kaam kar raha hai. Then we organized through Katkatha an awareness campaign in the brothel. Screening and vaccination with Katkatha and ILBS, we organize a screening and vaccination camp on GB Road and on spot screening camp through ILBS camps. Then, okay, prevention and safety, we'd actually discussed with ma'am, and there are no such programs as of now which are actually considering sex workers for any of these health initiatives. So linking them with district hospital, PHCs, government hospitals, through again an NGO, we can't approach them directly. And through targeted intervention and through NACO, like she discussed, and vaccination of newborns. Then barriers, like we just showed resentment among the sex workers themselves. Then there's lack of interest in them. And again, like the AIDS program. So. Okay, future plan. Then this is what we exactly wish to do is, we are initiating this, but eventually for the continuation of this program, we'll engage with the youth, as I've just mentioned, inactives, NSS society, social entrepreneurship cells, and merging with NACO program for AIDS with hepatitis awareness program also. NACO program runs very well already. It's very established among the brothels and sex workers in the country. So hepatitis is kind... Hepatitis, जो बीमारी है वो भी kind of it's like same like AIDS, and there is no, अभी मैम ने जैसे बताया था कि शुरुआत हुई है, पोर्टल बना है, but अभी लॉन्च मतलब थोड़ा पहुँचने में टाइम लगेगा. तो जो NACO का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ अगर हम सोशल एक्शन या सोशल मूवमेंट के लिए लॉबिंग करें, एडवोकेट करें कि ऑल जो हेपेटाइटिस अवेयरनेस भी NACO के साथ जोड़ा जाए, ताकि एक होलिस्टिक सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेक्स वर्कर्स के पास लेके जा सके. हमारे इस कैंपेन के कुछ स्लोगन्स है, हमने एक ये बनाया है स्लोगन, बी हैप्पी विदाउट हैप बी, और एक हिंदी में बनाया है हमने जो लोगों को समझ में आ जाए. तो वो उसका है, जानो पहचानो जांच कराओ और इसे हराओ, हेपेटाइटिस बी को हराओ. और ये जो टाइटल दिया है हमने, क्योंकि आप ही सहारा हो, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है, तो उनको ऐसे हेपेटाइटिस भी हो सकता है. तो इन्हें अवेयर कराने के लिए, क्योंकि आप ही आपके बच्चों का सहारा हो, किसी का सहारा हो और आप खुद का सहारा हो, तो इसीलिए हमने ये टाइटल रखा. क्वेश्चंस? It's good to have slogans which are very sweet and pointed, like this can be interpreted in many different ways. So sir, what happens is, this is like
आप जिस टैबलेट सर हमने क्यों बनाया, क्योंकि जब सेक्स वर्कर्स होती है सो व्हेन दे आर लाइक प्रेग्नेंट एंड सो दे डोंट हैव एनी यू नो व्हाट वी से इन जेंडर सोसाइटी अ मेल सपोर्ट टू हेल्प देम, ठीक है. एंड सिंस सेक्स वर्क इज इलीगल एंड इट इज स्टिग्मेटाइज, हॉस्पिटल आंगनवाड़ी सब उनको टर्न डाउन कर देते कि आप जाइए. तो अपने बच्चों का अकेला सपोर्ट वी ऑफन सी दैट sex worker is only is. So the thing is she needs to be helped. She needs to be helped so that she can help her child. So that it doesn't passes on. Kyunki aap hi sahara ho. Apna bhi, khud ka bhi, bachcho ka bhi, aapas mein community ka. Achha, ye group sa last mein kya hone ki aage hum ji wala dialogue bolte hain. Kaun sa wala? Jaan lo, हमने ये मैम से डिस्कस किया था कि नैको क्यों काम करेगा. सो दिस केम कि नैको जो है और एड्स और हेपेटाइटिस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम तरीके से उनका स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन चलता है. तो नैको एक बहुत एस्टेब्लाइज ग्रास रूट लेवल पे प्रोग्राम पहुंच चुका है, जबकि हेपेटाइटिस के लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं. नेशनल हेल्थ पोर्टल जो बना है, नेशनल हेल्थ पोर्टल जो बना है, मैम ने हमें बताया कि हमें उनसे पूछा था कि हॉस्पिटल में और नॉर्मल हुआ कि अगर अप्रोच करेगा तो वापस भेज दिया जाता है. तो ये अभी जो नेशनल हेल्थ